नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। लंबे समय से चल रहे भैयू महाराज सुसाइड केस मामले में मंगलवार को इंदौर जिला कोर्ट की कोर्ट नंबर 22 के न्यायाधीश महेश कुमार जैन के समक्ष भैयू महाराज की बहन अनुराधा ने अपने बयान दर्ज कराए। हालांकि पहली बार कोर्ट में अनुराधा रोती हुई भी दिखाई दी। इधर अधिवक्ता धर्मेंद्र गुर्जर ने बताया कि भैयू महाराज केस में लगातार प्रति परीक्षण चल रहा है। पिछले दिनों भैयू महाराज की बेटी कुहू के प्रति परीक्षण हुआ, जिसके बाद आज कोर्ट के समक्ष महाराज की बहन अनुराधा गवाही के लिए पहुंची थी, जहां अधिवक्ता गुर्जर द्वारा क्रॉस परीक्षण किया गया, जिसमें गुर्जर ने बहन अनुराधा से कई सवाल किए, जिससे प्रतीत होता है कि अनुराधा ने जो गवाही पहले पुलिस के सामने दी है उसमें और अभी दी हुई जानकारी में अंतर है। वहीं शारद और भैयू महाराज के संबंध में वीडियो होने वाली बात पर अनुराधा रोने लगी। वहीं गुर्जर ने बताया अनुराधा ने आयुषी के संबंध के भी कुछ जानकारी कोर्ट के समक्ष रखी है, जिसमें कहा कि कुहू गुस्से की बहुत तेज है, वहीं आयुषी को गुस्सा कम आता है। हालांकि अनुराधा ये भी साफ कर चुकी है कि वह इंदौर आई तो आयुषी के साथ रुकने की बजाय होटल में ठहरी है। वहीं भैयू महाराज का किस डॉक्टर से इलाज चलता था उसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में आयुषी अब तक जिला कोर्ट के समक्ष अपने बयान देने प्रस्तुत नहीं हुई है। बुधवार को इस केस की आगे की तारीख दी जा सकती है। महाराज मामले में अनुराधा जो उनकी बहन है, आज उनका मुख्य परीक्षण हुआ, फिर कोर्ट परीक्षण हुआ। कोर्ट परीक्षण मीनासिफर सीनियर एडवोकेट द्वारा पलक के संबंध में किया गया, उसके पश्चात आधे घंटे का क्रॉस हमारे द्वारा किया गया। क्रॉस एग्जामिनेशन अभी बचा है जो कल सुबह 11:30 बजे फिर शुरू होगा। आज के बयानों में मोटे तौर पर ये बातें आई कि भैयू महाराज मामले में उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि गलत दवाइयां देकर उन्हें मृत्यु तक पहुंचा दिया गया, दबाव बनाया गया। जब मेरे द्वारा सवाल किया गया कि कभी आपका उनके डॉक्टर से मुलाकात करने का मौका पड़ा या डॉक्टर ने क्या इलाज में दवाइयां दी आपका देखने का काम पड़ा, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर आगे प्रश्न किया गया कि आप न्यायालय में कैसे उपस्थित हुई, क्या आप आने के पहले आयुषी से मुलाकात की, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं आयुषी से नहीं मिली। फिर जब मैंने पूछा कि जो न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति वो आयुषी का ही ड्राइवर है, तो उन्होंने कहा ये आयुषी का ही ड्राइवर है। दो बातें उनके द्वारा कही गई कि आयुष का ड्राइवर भी आयुष से मिली भी नहीं, और ऐसी कई विसंगतियां आई। और जब जब उनसे सच पूछा गया या सच निकालने की कोशिश की गई, तो उनके द्वारा माइग्रेन और बीपी का बहाना बनाकर बातों को टाल दिया गया। कुछ बातें ऐसी भी की गई जिसके बाद में उनका रोना आ गया या रोना निकल गया, उससे रोने लगी। उनसे जब ये सवाल किया गया कि आपके द्वारा कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा गया जो जिससे ब्लैकमेलिंग की जा रही थी पलक और महाराज के बीच का, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा, और फिर उसके बाद उन्होंने रोना आ गया। कुछ बातें ऐसी भी आई जिसे बात करके वो इग्नोर करती या कुछ ऐसी चीजें जो केस को घुमा सकता है। मैंने जब उनसे पूछा कि कुहू गुस्से की तेज है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि कुहू गुस्से की तेज है। पर जब पूछा कि आयुषी भी गुस्से की तेज है, तो उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि नहीं, आयुषी गुस्से की तेज नहीं है। पिछले दिनों कुहू इंदौर आई थी, उसने दौरान कहा था कि वो होटल में ठहरती है, उसकी विवाद है, वो उसकी बनती रही है, बुआ भी उसे नहीं रखती है। मैंने यही बात बुआ से पूछी कि आप भी इंदौर आए हैं और इतनी संपत्ति होने के बाद आप होटल में ठहरी, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैं भी होटल में ठहरी हूँ। मैंने कहा कुहू और इनका विवाद चल रहा है संपत्ति का, आपको जानकारी है? तो वो सिरे से न करके मुझे माइग्रेन बीपी है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट।